बेटा, ऐसे चुप चुप क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है, ऐसे उदास बैठी हो? नहीं, बताओ बेटा, तबीयत थोड़ी खराब है। नहीं कुछ तो बताओ, क्लास में झगड़ा हुआ है क्या किसी से? मम्मी आप गुस्सा तो नहीं करोगी ना? नहीं नहीं मैं गुस्सा नहीं करूंगी, बताओ बेटा क्या हुआ? वो आज है ना, मेरा क्लासमेट है ना, मुझे टच कर रहा था। ओफो, ये भी कोई बात है? क्लास में खेलते हो, मस्ती करते हो, अगर टच किया भी तो क्या हुआ? ऐसे कैसे टच कर दिया जो इतना परेशान हो रही हो, बताओ। वो ऐसे थाइस पे टच कर रहा था बार बार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो आपने मैम को बताया? नहीं, मुझे डर लग रहा था। ओफो, मैंने तुम्हें बताया था ना एक दिन कि दोनों बच्चों को ये गुड टच और बैड टच बताना है इसके बारे में उनको, तुमने बताया नहीं इनको? अरे मैंने बोला भी था कि बच्चे भी छोटे हैं, ये सब डिस्कस नहीं करना है। छोटे हैं तो क्या हुआ, मतलब छोटे बच्चों को बताओगे तभी तो वो समझेंगे। अभी हुआ ना इसके साथ में ऐसा, तो तुम्हें पहले से ही बता देना चाहिए था कि गुड टच और बैड टच क्या होते हैं। सॉरी यार, सॉरी, मुझे लगा बच्चे भी छोटे हैं, डिस्कस नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं इनको बताओ, दोनों को बताओ, आप भी जाओ ठीक है, और इन दोनों को अच्छे से समझाओ कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, कहाँ कहाँ पे अगर कोई टच कर रहा है किस तरह से कर रहा है, वो सब इनको समझाओ ताकि आगे इनके साथ ऐसा ना हो, ताकि फिर दूसरे बच्चों को भी बता सके कि अगर कोई ऐसा करे तो ऐसा करना है, ठीक है? सॉरी, मेरी सच में ये मिस्टेक रही है, मैंने ये सोचा कि बच्चे छोटे हैं। बेटा इधर आओ, मैं आपको एक बात समझाओ उनको। बच्चे अगर क्लास में आपको कोई भी आपका फ्रेंड या टीचर या आपका नेबर कोई भी आपको टच करता, देखो टच, इधर आओ मेरे पास आओ, टच ना दो तरह की होते हैं बेटा, ओके? इधर बैठो, आप ठीक से बैठो, बैठो इधर बैठो। देखो टच अगर आपको, मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको ऐसे चिक्स पे हाँ या हेड पे शोल्डर पे ऐसे कोई टच करता है तो इट्स कॉल्ड गुड टच। ये नॉर्मल फ्रेंड्स आपके या कोई भी नेबर या आपका कोई भी टीचर आपको ऐसे टच कर सकता है, ओके? तो ये होता है गुड टच। अगर आपके कोई प्राइवेट पार्ट्स पे या इधर या थाइस पे, पैरों पे, ठीक है, या आपके बैक पे कोई टच करता है, आपका टीचर हुआ, फ्रेंड हुआ या कोई नेबर हुआ, कोई भी रिलेटिव कोई भी हो, ठीक है, तो ये आपको एकदम अवेयर होना है और आपको फील करना है कि हमारा गुड टच है या बैड टच है, ठीक है? तो आप तुरंत मम्मी को बताएंगे, डरोगे नहीं, ठीक है? कुछ भी ऐसा होता है तो आपको तुरंत टीचर से भी बताना है, अपने मम्मी पापा को भी बताना है, डरना नहीं है, तो शेयर करना, ओके? गुड गर्ल। सो गाइज, ये वीडियो स्पेशली आप सब के लिए है कि आप पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को खुद बताएं, जो गलती मैंने की अपने बच्चों के साथ शेयर नहीं किया, तो आप वो गलती कभी नहीं करें। उसमें आपकी बेटी हो या बेटा हो, आप उसको ज़रूर बताएं कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। बच्चे बाहर खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, टीचर्स में, ट्यूशन में, तो कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है, तो बच्चों को ज़रूरी है ये बताना कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। तो आप लोग प्लीज़ ये अपने बच्चों के साथ शेयर करें कि अगर आपको नॉर्मली कोई ऐसे टच कर रहा है, हैंड्स पे टच कर रहा है, शोल्डर पे टच कर रहा है, तो ये गुड टच होता है। अगर वो आपको बैक पे या कोई आपको गंदा फील हो रहा है, आपके अजीब से इधर उधर टच कर रहा है, थाइस पे टच करता है, प्राइवेट पार्ट्स पे टच करता है, तो आप बच्चों को अच्छे से डिटेल में समझाएं कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है, जिससे कि कल को उनके साथ अगर प्रॉब्लम होता है तो आपको शेयर कर सकें। सो प्लीज़ ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम सब पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये बताने में इजी हो जाए और आगे से उनके सामने कोई प्रॉब्लम ना आए। तो थैंक यू गाइस, ओके, थैंक यू, अलविदा।